भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं। 60% से ज्यादा जनसंख्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि से जुड़ी हुई है, फिर भी इंडियन जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 18%। क्यों? 2021 में 10,881 किसानों ने यानी 29 किसान पर डे यानी हर एक घंटे एक किसान सुसाइड कर रहा है, और ये तो सरकारी आंकड़ा है, रियल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भैया, खेती करना टफ हो गया, ग्राउंड वाटर दिनों दिन कम हो रहा है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के चक्कर में जमीन की उर्वरकता जो है वो कम हो गई है, क्लाइमेट चेंज के कारण कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बेमौसम बरसात आ रही है, मानसून लेट आ रहा है, इन चक्कर में फसलें बहुत मात्रा में बर्बाद हो रही है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो प्रोडक्शन हो जाए उसके दाम मिलने किसान को मुश्किल हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे प्रकृति में भी सुधार हो, मिट्टी की क्वालिटी सुधरे, पानी की क्वालिटी सुधरे, प्लस किसान की इनकम बढ़े और आपका और हमारा स्वास्थ्य सुधरे? इन सभी चीजों का एक सॉल्यूशन आ गया है, मिलेट। मिलेट देसी भाषा में मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी। पर राहुल जी, ये प्रॉब्लम कैसे दूर कर देगा? आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? ऐसी क्या चीज है कि प्रकृति, किसान, हमारा स्वास्थ्य और देश की इनकम सब एक साथ बढ़ जाएगी? तो ये वीडियो मैं नहीं बोलूंगा एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए, एक स्टूडेंट को देखना चाहिए, ये वीडियो हर एक भारतीय को देखना चाहिए और पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए और एक एक ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये अपने देश की हकीकत है। किसान जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, उसकी लाइफ बदल सकती है, हम आम आदमियों की हेल्थ बदल सकती है, और नहीं ध्यान दिया तो क्लाइमेट को बहुत भारी नुकसान होगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये वीडियो जरूर देखना। मिलेट का प्रोडक्शन करने से और कंजम्पशन करने से सब अच्छा हो जाएगा, किसान भी खुश हो जाएगा, प्रकृति भी खुश हो जाएगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपन इस वीडियो में ये जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अभी मिलेट काम में ले रहे हैं तो फिर क्या काम में ले रहे हैं, और काम में ले रहे हैं तो क्यों काम में ले रहे हैं, और काम में ले रहे हैं उससे दिक्कत क्या है तुमको? तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूं 1960s में। 1960 में भारत में इतना भयंकर वाला खाद्यान्न संकट था कि 30 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे। उस समय हमारी कंट्री के बाद फूड की जबरदस्त शॉर्टेज थी। आपको याद हो तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, एक टाइम खाना खाएंगे, ये वो वाला दौर है। उस समय हमने कई देशों से मदद मांगी, अमेरिका से भी मदद मांगी, अमेरिका ने एक बार तो मना ही कर दिया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो गेहूं दिया उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब थी, और जैसे तैसे भगवान की कृपा से हम उस माहौल से निकले। लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा भी कमर कसनी पड़ेगी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान के साथ जय किसान का नारा दिया और हमारे देश में शुरुआत हुई हरित क्रांति की। हरित क्रांति का मेन मोटो था कि भैया अपनी फसलों की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है और ऐसा अन्न पैदा करना है जिससे भूख मिटे और हमको भैया टेंशन नहीं हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मॉडर्न मशीनरी मंगाई गई, मॉडर्न टेक्निक मंगाई गई, पेस्टिसाइड का बहुत आना हुआ, फर्टिलाइजर का बहुत आना हुआ, और धीरे धीरे हमारे खेतों की पैदावार बढ़ी। इसी दौरान एक नया मेथड काम में लिया गया, वीट राइस क्रॉपिंग मेथड, यानी एक ही खेत में क्या करो, गेहूं और चावल एक साथ बुआई कर दो। तो गेहूं और चावल दोनों ही हमारे स्टेपल डाइट है, काफी जगह काम में आता है, दोनों एक साथ बो जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा, लेबर कॉस्ट बचेगी, बार बार बुआई नहीं करनी, एक बार में बुआई हो गई, मानसून के टाइम पे चावल हो जाएगा और ठंड के टाइम पे आपका गेहूं हो जाएगा। इन सभी चीजों की वजह से हम शॉर्टेज से तो बाहर आ गए, इतना प्रोडक्शन करने लग गए कि आज की रेट में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसी चक्कर में हमारे कृषि योग्य एरिया का मेजोरिटी जो पोर्शन है वो हमने गेहूं और चावल को समर्पित कर रखा है। तो बोले कि राहुल जी ये तो अच्छी बात हुई, हम अनाज के लिए निर्भर थे, अब हम खा भी लेते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं, बात अच्छी है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम, ये दोनों फसलें पानी बहुत ज्यादा काम में लेती है। जैसे 1 किलो आलू पैदा करना हो तो 500 से 1500 लीटर के बीच में पानी लगता है, लेकिन अगर यही चीज गेहूं में करनी हो तो 1200 से लेकर 2000 लीटर तक पानी लग जाता है, और राइस में बात की जाए तो 1900 से लेकर 5000 लीटर तक पानी लग जाता है। सबसे ज्यादा जो पानी है वो राइस काम में लेता है। जब ये चीज हमने 60s में चालू की थी, 60% जो पानी हम काम में लेते थे वो सरफेस वाटर या तो नदी से मिल गया या बारिश का पानी काम में ले गया, और 30% हम ग्राउंड वाटर काम में लेते थे। समय के साथ साथ रेन का भी कम हो गया, रिवर भी कम हो गया, अब हम 60% ग्राउंड वाटर काम में लेते हैं। और जितने भी गेहूं और चावल के उत्पादन करने वाले राज्य हैं, जो सबसे ज्यादा बंपर उत्पादन करते हैं, अगर वहां पे आप जाके देखेंगे तो उनके ग्राउंड लेवल की स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। आपको ये मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, उस ग्राफ को देखिए, जितना भी रेड रेड है यहां पे जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर को काम में लिया जा रहा है। अगर ऐसी ही चीज चलता रहा अगले 20-25 सालों तक तो भैया आपके अकाल वाले दिन वापस आने वाले हैं, फिर आपके किसानों का लाइवलीहुड भी खत्म होगी, खेती के लिए न जमीन बचेगी न पानी बचेगा, और जो समस्या से हम जूझ रहे थे 60s में वो समस्या घूम फिर के वापस आ जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, इनमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज होता है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज होता है, तो लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, सॉइल की क्वालिटी हर बार खराब हो रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है, और खाने के मामले में भाई साहब आप जितनी भी आज के रेट में फल सब्जी खा रहे हो आप जहर खा रहे हो। तो हमारे पानी से समझौता हो गया है, मिट्टी से समझौता हो गया है, और सेहत से भी समझौता हो गया है। तो भाई लोग डर लग रहा है क्या?
यार जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को भी डर लग गया था एक बार तो, लेकिन फिर फाइनली मैंने कहा इस चीज से मिलेट बचाएंगे। कैसे मिलेट बचाएंगे? आप बोलोगे राहुल जी यार एक बार बताओ मिलेट कैसे खाएंगे यार, पूरे इंडिया की डाइट स्टेपल डाइट तो चावल है, पूरे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बिहार कहीं भी चले जाओ चावल इतना खाते हैं, यार चावल कैसे छोड़ेंगे, गेहूं कैसे छोड़ेंगे? सर ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही तो आप खाने लगे हो, जब हरित क्रांति नहीं आई थी तब आप क्या खाते थे? यही तो खाते थे, मिलेट ही तो खाते थे, आपके दादे परदादों ने मिलेट ही खाया है। आपको डेटा बताता हूँ, एक 1965 से 70 के बीच में एवरेज आदमी जो खाना खाता था उसमें 20% मिलेट हुआ करते थे, आज की डेट में टोटल खाने का 6% भी नहीं बचे। 1950-51 की बात करूं तो टोटल डाइट में ज्वार का जो परसेंटेज था वो था 11.8 यानी लगभग 12%, आज की डेट में वो है मात्र 3% यानी 1/4 पे आ गए। उस समय गेहूं काम में लेते थे 7% के आसपास, आज आ गए 16% के आसपास, लगभग दोगुने से भी ज्यादा। तो सबसे पहली बात, ये एनवायरमेंट के लिए कैसे अच्छा है? एनवायरमेंट के लिए इससे अच्छा है कि ये चावल की तुलना में 70% कम पानी लेता है काम में, इसको ग्राउंड वाटर की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका काम सरफेस वाटर से चल जाता है। नंबर 2, ये गेहूं की तुलना में आधे टाइम में तैयार हो जाता है। नंबर 3, इसकी सॉइल की क्वालिटी को खराब नहीं करता बल्कि अच्छा करता है। आप किसी भी सॉइल में इसको पैदा करेंगे तो 2-4 फसल के बाद सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। 4, इसके प्रोडक्शन में पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फसल जब खड़ी रखती है किसी तरह का कीड़ा लगता ही नहीं, फिर इसको स्टोरेज करते हैं तो वहां भी कीड़ा नहीं लगता, तो वहां भी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से पेस्टिसाइड फ्री मिलेट है। तो इसका एनवायरमेंट का बचाव हो गया, पानी ज्यादा काम में नहीं लिया, मिट्टी की क्वालिटी सुधार दी, पेस्टिसाइड से आपको बचा लिया। सर ये किसान के लिए बढ़िया क्यों है? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ये मानसून पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, मानसून टाइम से आ गया तो भी ठीक है, लेट हो गया या कम आया तो भी टेंशन नहीं है, इसकी फसल खराब नहीं होगी। ये हार्ड फसल है, इस फसल को कहीं भी उगा लो, ये 42 डिग्री तापमान होगा झेल जाएगी, पानी कम पड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी भी तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में झेल जाती है, फसलें आसानी से खराब नहीं होती। तो बंजर भूमि में भी उग जाएगा, राजस्थान की मिट्टी वाली भूमि में भी उग जाता है, और इसका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के रेट बहुत अच्छे हैं, और अभी सरकार ने इसकी एमएसपी भी पिछले कई सालों में डबल से ज्यादा कर दी है। बोले सर जी हमारी हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी? पहली बात तुम्हारा पेस्टिसाइड हट गया, तो एक काम तो वही बढ़िया हो गया। दूसरी बात, इन मिलेट्स में आपके गेहूं और चावल की तुलना में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, प्रोटीन इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज के खतरे से ये बचाती है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो किसी भी बढ़िया न्यूट्रिशनिस्ट से अगर आप जाके पूछेंगे कि भैया ये चीज क्या है, तो कोई भी आपको गेहूं और चावल रिकमेंड कभी नहीं करेगा, मिलेट्स की बात करेंगे तो इसको बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताते हैं। तो किसान की, प्रकृति की, आपकी हेल्थ की बात हो गई है, अब बिजनेस कोच हूं तो एक बिजनेस की बात भी कर लेता हूं। भारत मिलेट के टोटल प्रोडक्शन का 40% अकेला करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में थोड़ी सी पीछे है भाई साहब, हमारे टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 1% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट में हम 5वें नंबर पे आते हैं, हमारे से आगे आता है रशिया, यूक्रेन, कनाडा और यूएस। अच्छा वैल्यू में हम उनसे पीछे बताऊं क्यों है? एक कमी है, बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल चीज है। हम कहते हैं बाजरा है, बाजरा एक्सपोर्ट कर दिया, ये लोग क्या करते हैं, यूएस बाजरा इंपोर्ट करेगा, उस बाजरे से कुछ बनाएगा, ओट्स बनाएगा, उपमा बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, प्रोसेस फूड बनाएगा, उसको ब्रांड में डालेगा, फिर बेचेगा। तो हम बेचते हैं कच्चा माल, इसलिए हमारी क्वांटिटी चाहे कितनी ज्यादा हो वैल्यू कम होती है, और वो उस माल को प्रोसेस करके बेचते हैं, और जो मार्केट में असली डिमांड है वो प्रोसेस की है, कच्चा बाजरा कोई नहीं खाता, इन मिलेट से बनी हुई जो चीजें हैं वो लोग ज्यादा खाते हैं। तो जो टोटल मिलेट्स का मार्केट है वो है 4.4 बिलियन का, और ये 4 साल पहले 2.2 था, यानी मात्र 4 साल में डबल हो गया मार्केट, और इसमें लीड करता है यूएस क्योंकि वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काम कर रहा है। तो अब आप क्या बोलते हो? सर मैं आह्वान करता हूँ सभी बिजनेसमैन का जो मेरे से पूछते हैं ना राहुल जी नई चीज क्या करें, कुछ बढ़िया चीज बताओ, तो ये बढ़िया चीज सुन लो सर, जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे किसान को हिम्मत मिलेगी इसको प्रोडक्शन करने की, ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, इसको कहते हैं सुपर क्रॉप, ये नॉर्मल क्रॉप नहीं है। यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो पूरे वर्ल्ड में भैया इसकी डिमांड भी आएगी, इसमें मार्जिन में मिलेगा। इन प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करो, वैल्यू एडेड करो, कुछ ब्रांड बनाओ, एक्सपोर्ट करो, भाई साहब फॉरेक्स लेके आओ और भारत माता को अमीर बनाओ। उसके अलावा आप बोले नहीं सर एक्सपोर्ट नहीं करें और कुछ कर सकते हैं क्या? सर मिलेट की प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हो आप, मिलेट के सीड का काम कर सकते हो, मिलेट से रिलेटेड रेस्टोरेंट खोल सकते हो, इन प्रोडक्ट को पैकेज करके सुपरमार्केट में सप्लाई कर सकते हो, खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हो, और एक्सपोर्ट तो सब कर ही सकते हो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो बिजनेस में जागो और कुछ करो। बोले सर सरकार भी तो कुछ करे, अरे सरकार तो अब की बार बहुत कर रही है। दिसंबर 2022 में मोदी जी ने ही प्रपोजल दिया था यूएन को कि यार 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दो, यूएन ने कहा मोदी जी की बात फिर टालेंगे, मान ली। मोदी जी ने अभी संसद में मिलेट लंच का आयोजन किया और पूरी संसद में सब लोगों को कहा मिलेट का ही लंच करेंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सेक्रेटरी को न्यूयॉर्क में मिलेट लंच करवाया। सरकार ने बहुत सारी सब्सिडियां घोषित कर रखी है, दुनिया भर के फेयर मिलेट फेयर लगाए
बनाए जा रहे हैं, मिलेट कन्वेंशन की जा रही है जहाँ पे पूरे विदेश के बायर्स को बुलाया जा रहा है और किसानों से टाइप वगैरह करवाया जा रहा है। अभी एक कॉन्फ्रेंस में मोदी जी खुद गए थे। इसका MSP काफी लेवल तक बढ़ा दिया है और 63 जो स्टार्टअप है जो मिलेट बेस्ड है, गवर्नमेंट उनको सहयोग भी कर रही है। तो भैया गवर्नमेंट लगी हुई है, आम जनता से मेरी रिक्वेस्ट है अपनी हेल्थ के लिए, किसानों के भले के लिए, हमारी प्रकृति के भले के लिए थोड़ा सा अपनी डाइट को मिलेट पे शिफ्ट करो, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब कोई व्यक्ति कहेगा सर महंगा है, मिलेट नॉर्मली गेहूं चावल की तुलना में थोड़ा अफोर्डेबल होता है। अगर ब्रांड वैंड के चक्कर में थोड़ा महंगा भी आ रहा हो ना, थोड़ा महंगा खा लेना, अस्पतालों के जो बिल आते हैं ना, जो आपका BP डायबिटीज का बिल आएगा उससे सस्ता ही है। तो भैया इसको काम में लीजिए और अपनी थोड़ी डाइट को शिफ्ट कीजिए और ये सोच के कीजिए कि मेरी हेल्थ के लिए भी कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करेंगे, जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो किसान उतना ज्यादा उसको बनाएगा, ओवरऑल इसके कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए और देश को एक बार दोबारा इस सुपर क्रॉप की मदद से वापस सुपर पावर बनाते हैं। धन्यवाद।